विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के मौके पर आज रामसर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुष। इस कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे और कार्यक्रम में आज आपको बता दें कि बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल यहां पर मौजूद रहेंगे, बीएपी के संस्थापक और सांसद राजकुमार रौत यहाँ पर रहेंगे, विधायक रविन्द्र सिंह भाटी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल की जो तैयारियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मंच यहाँ पर सजाया गया है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैली के साथ यहाँ पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहां पर इस कार्यक्रम स्थल पर सभा से पहले एक बड़ी और भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर आप देखिए काफी संख्या में युवा भी आपको नजर आएंगे, कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज जब महिलाएं यहां पर पहुंची हैं तो अपने अधिकारों को लेकर के कितनी जागरूक हुए, आज कैसा महसूस करें, कैसा लग रहा है आज ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। महिलाओं की भूमिका को लेकर क्या कहेंगी कि आपके समाज की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, क्या कर सकती है, आगे बढ़ेंगी तो आगे बढ़ सकती है और यही बोलूंगी कि आगे बढ़े। और देखिए एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, महिलाओं के पास घर की जिम्मेदारी भी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर पहुंची है, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप ही से जुड़ते हुए आपसे जानना चाहूंगे आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहूंगे। आप सभी से सादर अनुरोध रहेगा, हम रामगढ़ गांव जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव से आए हैं साहब, अपना राजकुमार रोज जी का नाम सुन करके, और हमारे समाज के सुधारक हैं, हमारे समाज के मसीहा हैं, इसलिए इनकी प्रशंसा को देख के हम डूंगरपुर गए थे और यहाँ आए। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, युवाओं की क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है विश्व आदिवासी दिवस के लिए, हमें बहुत खुशी है। चलिए यहाँ पर कुछ और जो आयोजक है एक बार उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने की है, क्योंकि बड़ा और भव्य आयोजन और काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से भी आए। सबसे पहले तो आपके मीडिया का इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और आप यहाँ आए, आपका जोहार कामनाएं। आज विश्व अधिकार दिवस के रूप में पूरे विश्व भर के अंदर 13 सितंबर को जो मनाया जाएगा, उसी उपलक्ष्य में बाड़मेर जिले के रामसर ब्लॉक में आज भव्य ऐसे आलीशान प्रोग्राम जिसमें हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोकप्रिय इसमें सांसद आदरणीय रोहत कुमार इसमें राजकुमार जी रोहत भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय जो सांसद उमेदाराम जी हैं उनके साथ, यहाँ शिव के विधायक महोदय आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ पूरे समुदाय से जन जन कोने कोने तक पहुँचाए, हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को यहाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? और देखिए तीन बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बीएपी के जो संस्थापक है वो आ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी आ रहे हैं, उमेदाराम बेनीवाल खुद आ रहे हैं, उन सभी के आगमन को लेकर कितनी उत्साह और क्या उम्मीदें आप लोगों की है? मैम कहते हैं कि प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं, उत्साह आप देख ही रहे हैं, रैली में आपने जैसा देखा होगा, और जो आज के कार्यक्रम के बारे में जैसा आपने कहा, ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स ना, तो राइट्स फॉर इंडिजिनियस पीपल्स, तो ये जो विश्व अधिकार आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर 2007 को यूएनए द्वारा डिक्लेयर हुआ, इंडिजिनियस पीपल्स की कल्चर्स रिचुअल्स उनके जो प्रकृति से जुड़े हुए जो उनके परंपरागत ज्ञान है उनके संरक्षण संवर्धन को लेकर के पहले विश्व आदिवासी डिक्लेयर किया, लेकिन बावजूद इसके उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ तो 46 आर्टिकल का एक घोषणा पत्र जो 143 नेशंस के वोटिंग से पारित हुआ, और उसी कड़ी में आज आप देख रहे हो रामसर ब्लॉक के अंदर ये भव्य ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, और इसके साक्षी बन रहे हैं हमारे बीएपी के विधायक, बांसवाड़ा डूंगरपुर के विधायक और पिछले सबसे युवा विधायक भी आदरणीय राजकुमार जी रोहत की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, स्थानीय एमपी सांसद आदरणीय उमेदाराम जी बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तमाम मेहमान जो आ रहे हैं ये उत्साह है और आप देख रहे हैं, आपका भी पुनः पुनः आभार जो इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कितना उत्साह यहाँ पर है, मंच पूरी तरीके से तैयार, और देखिए अब रैली भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, और ये तस्वीर है सर आप देखिए वहाँ पर आपको नजर आएगा कि राजकुमार रौत कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और जोरों शोरों के साथ उनके स्वागत को यहाँ पर लोग तैयार बैठे हैं, और अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के कार्यक्रम से क्या संदेश दिया जाता है, क्या कुछ यहाँ से संदेश के माध्यम से बड़ा संदेश यहाँ से निकल कर सामने आता है। तो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस समारोह का आयोजन यहाँ पर रामसर में आप देखना, आगे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे इस मंच से क्या कुछ रहेगा। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए द घटक के साथ, अपने सहयोगी जसवंत और हरीश के साथ, मैं आयुष विजय वर्गीय, द घटक रामसर बाड़मेर।